आप इसका थोड़ा और वेट करें ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। हमें थोड़ी जल्दी थी खाने की, तो इसलिए हम इसको जल्दी खा रहे हैं। कितने मज़े की है। और यहाँ मुझे चाहिए थे छोटे मटके, तो इसके लिए मैं फिर, मेरी अपॉइंटमेंट थी डाउनटाउन टोरंटो, तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ मुझे ये एक चाइना मार्केट में एक शॉप थी वहाँ से मिल गए, 399 के एक था, बस ये मैंने वहाँ से लिया। तो ये आप देख लें एड्रेस, आपको अभी नोट कर लें, स्पैडिना, और ये दूसरी रोड के उसका क्रॉस था। और ये देखिए कितना खूबसूरत केसल है, तो इसकी वीडियो भी आपके लिए थोड़ी सी शूट की है। तो इसके बाद चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफस्टाइल से। आज हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी, तो उसके लिए मैंने मिल्क लिया है 325%, यानी जो रेगुलर मिल्क है आप वो ले लें। ये मैं लूँगी 2 किलो, और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से हम लोग बनाएंगे, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे बस, दूध और कंडेंस मिल्क हमने इसमें डालना है, या आप कंडेंस मिल्क की जगह इसमें चीनी डाल दें। दूध को हिलाते जाना है ताकि दूध लगे नहीं। इसमें मैं इलायची डाल दूंगी, तकरीबन 4 से 5 इलायचियां लेके, मैंने मोटी मोटी कूटी है ना। इतनी गर्मी में इसमें कोई मेहनत नहीं है, आपने सिर्फ इसको एक बॉयल आने देना, फिर इसकी लो फ्लेम करके आप बस बैठ जाएं, इसको रिड्यूस होने दें, इसको हाफ से ज़्यादा हमने कम कर लेना। इसका कलर पीला पीला हो जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रबड़ी जैसी तैयार हो गई है। अभी हमने इसको कुछ नहीं करना, इसको बॉयल आते ही मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी। अभी मैंने एक छोटा सा बोल लिया, उसमें आधा कप मैं डालूँगी दूध। ये मेरे पास ज़ैफ़रान है, ये मैं लाई थी इकबाल फूड से। और यहाँ पे बॉयल भी आना स्टार्ट हो गया दूध में, तो बस ये इसी आँच पे उबलता रहेगा और मैं अब जाके बैठ जाऊँगी, क्योंकि अब ये लगेगा नहीं, आप इसको इंतज़ार करेंगे ये कम हो जाए ज़रा। जब कम होने लगेगा फिर इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि एक स्टार्टिंग में और एक एंड पे दूध लगता है। यहाँ पे मैंने मटके जो है ना उनमें पानी डाल के रख दिया है ताकि ये पक्के हो जाएँ। ठीक है, ये साइड से जितनी भी मलाई है ये सारी आप इस तरह स्क्रैप करते रहेंगे, इसके अंदर ही मिक्स करते हैं इसको। दूध गाढ़ा होना शुरू हुआ है, रंग भी आप देखें चेंज हो गया इसका। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। अभी आपने चीनी डाल दी है, चावल डालने आप चीनी भी शायद डाल दें। ये 300 ml का मेरे पास कंडेंस मिल्क है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा इसका आया था। अभी मैं इसमें ज़ैफ़रान वाला दूध भी डाल दूंगी। अभी मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ, मेरे ख्याल से इतना बहुत है, क्योंकि हमने तो इसको वैसे भी जमाना है, तो इतना थिक ये बहुत है, इससे ज़्यादा रखना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बहुत है। तो कुछ लोग इसमें ब्रेड क्रम्स भी डालते हैं, ब्रेड लेके कच्ची उसको ग्राइंडर में डाल के वो डालते हैं थिक करने के लिए, लेकिन मैं इसको ओरिजिनल बहुत अच्छा क्रीमी सा बना रही हूँ। थोड़ी मेहनत है लेकिन इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, बिल्कुल खोए जैसा। तो क्रीम ब्रेड क्रम से मैंने कुल्फ़ा बनाया, उसकी रेसिपी, और मैंगो कुल्फ़ी मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देखना, दोनों बहुत मज़े की बनेगी। लेकिन मैंगो कुल्फ़ी मैं आगे बनाऊंगी दोबारा आपके साथ न्यू तरीके के साथ, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो इसको अब मैं बंद करी हूँ, अब हम इसको निकाल रहे हैं अपने मोल्ड में। मटके हमने पानी सारा फेंक दिया था, क्योंकि मैंने कम अज़ कम 1-2 घंटा से भी खो के रखे थे इसको,
तो अब मैं इसको निकाल दूंगी मटकों में। और अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट अंदर डालना चाहते हैं आप तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर डेकोरेट करने के लिए डालने हैं। पिस्ता मैं अभी डेकोरेट के लिए नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर पिस्ता डाला वो सारा अंदर चला जाएगा। जब ये अच्छा सा सेट हो जाएगा फिर मैं इसके ऊपर पिस्ता डालूंगी। अब मैं इसको 7-8 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखूंगी, और फ्रीज़र में आपने इसको ढक के रखना है, और अल्मीनियम फॉइल भी मैं इस पर लगाऊंगी, क्योंकि अगर नहीं रखा ढक के तो इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, बर्फ बन जाएगी जब आप खाएंगे। जो मिक्सचर बच गया वो मैंने इसमें डाल दिया, ये हम कुल्फा की तरह पीसेस करके खाएंगे। कैसी मजे की बनी है, बहुत मजेदार। ये सिर्फ दूध मैंने ड्राई किया है बस।